स्ट्रीट स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रेयांश नायडू ने अंडर 11 वर्ग में अजान अली को हराया और अपनी जीत पक्की की। श्रेयांश ने बड़ी कुशलता से खेलकर जीत का ताज अपने सर सजाया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर शरद सूर्यवंशी ने चारों ग्रुप के विजेता और उपविजेता बैडमिंटन खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नागपुर में शटलर स्क्रीट स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने सहभाग भी लिया, जिसमें डायलन मार्शल और श्रावणी सूर्यवंशी ने अंडर 23 वर्ग जीता और अचिंत्य सिसोदिया और श्रृंजल सिंह ने अंडर 17 वर्ग जीता। कोराडी नाका स्थित शटलर स्क्रीट स्पोर्ट अकेडमी में आयोजित इवेंट में डायलन मार्शल ने मयंक अहलानी को हराया और श्रावणी सूर्यवंशी ने अंडर 23 लड़कों के वर्ग में वैष्णवी चौधरी को हराया। लड़कों के अंडर 17 में अचिंत्य सिसोदिया ने अनुराग वाकोडीकर को और श्रृंजल सिंह अवनी लांडगे को हराकर खिताब जीता। लड़कों के अंडर 13 वर्ग में कार्तिक व्यास ने शायन जैन को कड़ी टक्कर में और लड़कियों के वर्ग में परमी हजारे ने अनन्या घाटे को हराया। श्रेयांश नायडू ने 11 साल से कम उम्र के लड़कों में आजान अली को और लड़कियों में गौतमी चौधरी ने नरमई कुटुककर को हराया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर शरद सूर्यवंशी ने चारों ग्रुप के विजेता और उपविजेता बैडमिंटन खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएस चौधरी, कृष्णाराव खेड़ीकर एवं शटलर स्क्रीट स्पोर्ट्स अकेडमी के प्रमुख एवं बैडमिंटन कोच खेतक खड़ीकर उपस्थित थे। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।